तो दोस्तों, परसेंटेज सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। स्वागत है आपका दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में। तो परसेंटेज का हम पिछले वीडियो में जो है टाइप 6 तक कर चुके थे, आज हम करेंगे टाइप 7। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो आज करेंगे हम टाइप 7। तो टाइप 7 का मैं पहला सवाल जो है पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल है, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% वृद्धि होती है तथा उसके बाद 5% कमी होती है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितने प्रतिशत उसकी व्यक्ति की मासिक आय में कितने प्रतिशत नेट बदलाव हुआ, ये उसने पूछा है। देखो, पहले जो उसकी आय है, आय क्या होती है, 15% इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसकी मासिक आय में 5% का डिक्रीजमेंट होता है। ठीक है, कमी होती है। पहले तो 15% बढ़ी, फिर 5% घट जाती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए, इस सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है। अगर आपसे फॉर्मूला याद हो जाए तो ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला रहता है, प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बाय 100। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। देखते हैं, मैं आपको इस फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर बिना फॉर्मूले के देख लेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने मान लिया इसे ए और इसे बी। अब ये कमी है तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, ये वृद्धि है तो इसको प्लस में। ठीक है, तो जहाँ पर भी ए है वहाँ पर रखना है अपने को +15, जहाँ पर भी बी है वहाँ पे रखना है -5। तो मैं इसमें मान जमा देता हूँ, यह जाएगा अपना 15 -5, फिर ये प्लस का निशान, यह जाएगा 15 इंटू में माइनस के 5 आ जाएंगे, बटे में 100। ठीक है, इसे अपने से जमा सकते हैं, इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे अपने 10। ठीक है, 15 में से 5 घटने के बाद ये हो जाएंगे अपने 75 माइनस के रहेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, और ये 100। इनको काट लेंगे अपन तो कितने जाएंगे, 3 बार में 25 या 75, 25 चौक 100, तो 10 + 3/4 ये आ गया। इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 × 40। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करना है, -3 × 3 घटा देंगे, 37/4। और अब भाग कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं कितने आ जाते हैं। तो डिवाइड करने पे आ जाएंगे अपने 9 × 36, बच गया 1, दशमलव लग जाएगी, भाग नहीं जाएगा इसकी, 0 बढ़ के 4 × 2 = 8, बच गए 2, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है 9.25। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मूले वाला तरीका। अब देखो, मैंने जो इजाद किया, खुद मैंने बनाया है तरीका, उसे अपन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने खुद ने ही इस तरीके को बनाया है, और इसमें कोई आपको सूत्र याद रखने की या कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बिना फॉर्मूले के मैं बिल्कुल आपको सटीक और टाइम बचाने वाला तरीके से बिल्कुल आपको बता देता हूँ। चलो देखो, उसकी जो आय थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 5% की जो है कमी हो गई। तो अपन क्या करेंगे, देखो, 15% की वृद्धि हुई, ये मैंने 15 लिख दिया, वृद्धि हुई मतलब क्या, प्लस अपन ने मान लिया है कि जो उसके जो वृद्धि नहीं जब वृद्धि नहीं हुई या फिर कमी नहीं हुई, उसके पहले जो उसकी आय थी,
ठीक है, वृद्धि और कमी होने से पहले जो उसकी आय थी वो कितनी थी, 100%। ठीक है, वृद्धि या कमी होने से पूर्व जो उसकी आय थी वो 100% थी। तो अब क्या हुआ, 15% बढ़ गई। ठीक है, पहले 15% बढ़ी है, 15% बढ़ गई तो क्या हो गया, 115% हो गई उसकी आय टोटल। ठीक है, अब 115% जो उसकी आय है उसमें 5% कमी हो रही, तो इसमें से इसका ही 5% जो है निकाल लो आप। ठीक है, जो कमी होएगी, 15% पहले वृद्धि हुई, फिर जो कमी हुई वो कितनी हुई अपन देख लेते हैं। तो 5 से इसे काट दे और 5 से इसे काटा, तो 5 एकम 5, 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार, ठीक है नहीं, 20 से 2500। फिर 5 से काट देते हैं तो 5 चौक 20, 5 से इसे काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 23 बार। अब 4 का भाग दे देते हैं 23 में, ठीक है, 23 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा अपना 4 पंच 20, भागनी जाए उसकी 0, 7 चौक 28, 4 पंच 20, तो ये आ गया अपना। ठीक है, ये आ जाता है, मतलब इतनी कमी हो गई। क्या है ये कमी है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं ताकि अपन अच्छे से घटा सकें इनको। ठीक है, नहीं देखो तो प्लस माइनस इसलिए घटा रहे हैं, दोनों ही प्लस होते तो अपन घटाते नहीं, इनको जोड़ते। ठीक है, तो घटा देते हैं, 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो 10 में से 5 गया, तो घटाना सभी को याद है, मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा इस पर। तो ये आ जाएगा अपना 2 5, और 1 इधर दे दिया था तो मतलब 6 जाएंगे इसमें से, तो 9, तो ये आ जाएगा अपना ये आंसर। अब देखो इसमें करा ही क्या है अपन ने, आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो इसको, 15% वृद्धि हुई पहले, तो अपन 115% का 5% निकाल के और 15 में से घटा देना है। ठीक है, नहीं यही तो करना है। अब फॉर्मूले में फॉर्मूला याद रखो, फिर इतनी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, नहीं तो सॉल्ट में आप इसे कर सकते हैं। चलो इसी टाइप का अपन एक सवाल और देख लेते हैं ताकि अपनों को क्लियर हो जाए। फॉर्मूला देखो जैसे लगता है वैसे लगता है, मैं अपने तरीके से इसको बताऊंगा। तो सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, अगला सवाल है, दरों में बदलाव के कारण किसी गाड़ी का मूल्य 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तथा कुछ समय पश्चात ही स्पेयर पार्ट्स कीमतों में वृद्धि के कारण मूल्य में 5% वृद्धि और हो जाती है, गाड़ी के मूल्य में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले गाड़ी के मूल्य में 10% उसने क्या करा, वृद्धि करी, फिर उसके बाद आगे चलकर 5% स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़ने के बाद फिर वृद्धि करी। ठीक है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि परसेंट परसेंट में चल रहा है, मतलब दोनों मिलके 15% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ऐसा सोचना गलत है। तो देखो अपन इसको करेंगे, सबसे पहले देखो 100% उसकी कीमत थी, कब थी, पूर्व में, जब या तो कमी हुई थी उसमें और ना वृद्धि हुई थी। ठीक है, जब उसकी कीमत कितनी 100% थी, फिर क्या हुआ, अचानक से 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 10% की वृद्धि हो गई, तो अब कीमत कितनी हो गई, 110। ठीक है, तो देखो 10% की वृद्धि तो ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया लगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि वापस से उसने 5% की वृद्धि करी, अब इस पे 5% बढ़ेंगे जो कीमत का गाड़ी की बढ़ चुकी है उस पे। ठीक है, वापस से 5% उसने क्या करी, वृद्धि, तो इसका 5% निकाल लेते हैं अपन, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 11 को काटेंगे तो क्या जाएगा, 5.5, 5.5, बस ये भी वृद्धि इसलिए ये भी प्लस, 5.5 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15.5। ठीक है, 15.50 भी हो सकता है, ठीक है, 50 या 5 दोनों एक ही चीज़ है, तो ये इतने परसेंट अपनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें देखो कितना कुछ कुछ अपन ने कुछ खास किया नहीं है, फॉर्मूला याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये टाइप 7 के अंतर्गत ऐसे सवाल हम आएंगे। अब अपन कर लेते हैं अगले टाइप।
अगले टाइप को अपन देखेंगे, तो अगले टाइप में जैसे एग्जाम वगैरह पे आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है, परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न। टाइप नंबर अपना क्या है, एट, आठवा टाइप। तो आठवें टाइप का मैं फर्स्ट सवाल पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना आप सभी। चलो पढ़ रहा हूँ सवाल में। सवाल है, अंकुर को एसएससी परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है, उसे सॉरी 240 अंक प्राप्त हुए तथा वहाँ 60 अंकों से असफल हो गया, ठीक है, एसएससी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो उसने पूर्णांक पूछा है, ठीक है, जो अंकुर है उसने क्या करा, 60% अंक उसने परीक्षा में प्राप्त करने थे उसको, ठीक है, पर हुआ क्या कि उसको कितने मिले, कितने अंक प्राप्त हुए उसे, तो 240 अंक उसे मिले, और आवश्यकता कितने अंक की और थी, उसे कितने अंक और जरूरी थे। उसे 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब ये तीन कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो अपन तीनों को देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं बोलूँ उसे कि उसे 240 अंक मिले हैं, ठीक है, कितने, 240, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 60 अंक और दिलवा देता हूँ, 60 अंक और दे देता हूँ, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, मतलब 300 अंक लाने के बाद क्या करोगे, पास हो जाओगे। अब पास होने के लिए मतलब ये पता चल गया अपने को कि 300 अंक की ज़रूरत है, ठीक है। अब अपना देखो वही फॉर्मूला याद करूँ जो फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है, 300 बाय किसके बराबर है, 300। देखो पास होने के लिए उसको कितने अंक की ज़रूरत थी, 60%, मतलब 360% के बराबर हुआ, ठीक है, यानी 300 किसके बराबर है, 60% के बराबर। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, संख्या बटे के बराबर इनटू जो ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, पहले फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखा हो तो वीडियो जाके देखिए समझ में जाएगा, ठीक है। तो 300 जो है, 300 जो है 60% के बराबर है, इनटू 100% का अपने को मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो भी अंक रहेंगे वो 100% के बराबर थे, ठीक है, इनको कट कर देते हैं, 0 से 0 गया, 6 पंजे की 30, बस 5 × 100 यानी 500, तो टोटल कितने, 500 अंक का जो है पेपर था उनका, ठीक है, टोटल जो है 500 अंक का था, जिसमें से उसे 300 लाने थे पर लाया वो इतने। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो परीक्षा पे आधारित ही अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इसी के अंतर्गत, अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, यानी उसने 20% अंक प्राप्त करे और वो 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 5 अंक और मिल जाते उसे, मतलब पास हो जाता हो। अब आगे क्या है, तथा अन्य विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करे, तो परीक्षा का पूर्णांक। अब देखो अगले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे और वो पास होने से 20 अंक ज़्यादा लेके आ गया और पास हो गया वो, ठीक है, तो ये सवाल में दिया है। अब देखो उसने सीधे सीधे बोला है, क्या बोला है, कि यदि 20% अंक उसे मिले हैं प्लस इसमें अगर ये 5 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है,
मतलब ये इसे पहुंचा दिया अपन ने कहाँ पे, पासिंग मार्क्स पे, पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया ये। इसको भी ऐसे ही देखते हैं अपन, ये क्या है, 30% है। अगर इसमें से अपन 20 अंक घटा देते हैं तो ये भी पास होगा, पर कैसे होगा, पासिंग मार्क्स में, ठीक है नहीं, क्योंकि ये 20 ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से और ये 5 कम लेके आया था, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है, 10%। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना जाएगा अपना, 25, ठीक है नहीं। कैसे आएगा ये भी देख लो, ये +5 और अंतर के लिए अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस का 20, ठीक है। ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, यानी 5 + 20, तो ये 25, ऐसे करके अपने आएंगे, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि 10% का मान 25 है, ये जो 25 है प्रतिशत में किसके बराबर है, 10 के बराबर, ठीक है। अपने को ज्ञात करना है 100% का मान, क्योंकि पूर्णांक जो है वो 100% के बराबर ही तो रहते हैं, ठीक है। 100% का मान ज्ञात करना है, तो 1 0 से 1 0 गई, क्या बचा, 25 और 10, इन दोनों का करना है इनटू, तो कितने आ जाएंगे, 250। ये पूर्णांक उस एग्ज़ाम के थे, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप में अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या खास है। चलो इसमें का मैं आपको एक और सवाल बता देता हूँ पहले। तो सवाल है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए क्या है, उसे उसे अगर पास होना है, ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, 40%, ठीक है। वहाँ 67 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसके प्राप्त अंक कितने हो गए, 67, ठीक है। 67 अंक उसे प्राप्त हुए और वहाँ 13 अंकों से विफल हो गया। और देखो 67 अंक तो उसे मिल गए, पर वो फेल कितने अंक से हुआ, वो फेल हुआ 13 अंकों से। 13 अंक जो उसे और मिल जाते तो वो क्या हुआ, होता पास हो जाता। तो अधिकतम अंक बताने, ठीक है नहीं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं ये अपने को बताने। चलो देखो अपन देखते हैं बराबर किसके हैं, ठीक है। अब उसे कितने अंक मिले, 67 अंक तो उसे मिल गए, 13 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो अपन उसे पास करवा देते हैं। तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे, 67, तो ये मिले ही सही उसे। अगर 13 और मिल जाते, 13 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 13 इसमें प्लस कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएंगे 80, ठीक है। अब देखेंगे अपन यहाँ पे कि 80 जो है मिल जाते उसे तो वो पास हो जाता। अब उसने बोला कि पास होने के लिए उसे कितने चाहिए, तो 40% अंक चाहिए, मतलब कुल मिला के ये चीज़ जो है 40% के बराबर है, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 80 है ये है 40% के बराबर, अपनों को चाहिए 100% का मान, ठीक है। 100% अपनों को चाहिए, इसमें मार्क्स कितने हैं, तो इससे इसे काटा अपन ने 2 बार में, ठीक है, 40 दूनी 80। अब 2 और इधर बचा 100, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 200, यानी 200 अपना आ जाएगा। तो टोटल जो मार्क्स था उसका कितना था, 200, ठीक है। तो ये एक सवाल ये हो गया, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसी के अंतर्गत और कैसे सवाल आ सकते हैं, अगले टाइप में देखते हैं अपन कैसे सवाल और बन सकते हैं इसमें।
तो अगला सवाल, सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, सुनना। यदि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, सभी फेल हो रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो, अपन ने मान लिया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 100% है, ठीक है, कुल विद्यार्थी क्या है, 100% है। अब उसमें परीक्षा ली गई, तो परीक्षा में क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी मैथ्स, मैथ्स में कितने परसेंट विद्यार्थी, तो उसने बोला कि 20%, यानी 20% जो विद्यार्थी मैथ्स में क्या है, फेल हो गए। और साइंस, साइंस में जो है 15% विद्यार्थी, 15% जो विद्यार्थी हुए वो साइंस में फेल हुए, ठीक है, 15% जो विद्यार्थी थे वो साइंस में फेल हुए। अब उसने बोला ये है, हाँ एक और भी दिया उसने, साइंस मैथ्स प्लस साइंस में मिलाकर भी 10% जो है विद्यार्थी क्या है, फेल है, ठीक है। देखो कुल विद्यार्थी 100% थे, 20% ये गए इसमें से, 15% ये फेल होने वाले हैं, और ये 10%, अगर इनको हटा दिया जाए तो 100% में से अगर इनको हटा दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे वो पास होने वाले बचेंगे, ठीक है। तो अपन इनको हटाएंगे कैसे, देखो 100% तो ये हो गया, ठीक है, चलो ये अपने वेन डायग्राम से मैं बता देता हूँ आपको। ये मान लो कि कुल विद्यार्थियों की एक कक्षा, ठीक है, यानी इसमें कितने 100% विद्यार्थी टोटल है। अब इसमें 20% जो है मैथ्स में फेल हो रहे हैं, ये मैथ्स में मान लो कि ये 20% फेल हो रहे हैं, ये मान लो कि साइंस में हो रहे हैं 15%, और 10% इन दोनों में मिलाकर हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में मिल रहा है ये, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस 20 में से भी ये 10 घटेगा, क्योंकि 10 इसमें साइंस में भी फेल, मैथ्स में भी फेल है, और 10 इसमें भी फेल है, ठीक है, यानी तुम इसमें से दोनों में से 10-10 ये माइनस कर लो, ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको करना है तो ये 100% माइनस इसमें से क्या करेंगे, देखो 20% तो काई में मैथ्स में फेल है, प्लस 15% ये काई में साइंस में फेल है, फिर इसमें से घटा देंगे अपन 10% जो दोनों में फेल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में फेल है वो इसमें शामिल है, तो घटा देंगे तो ये बच जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 20, ये घटा देंगे तो अपन ये 5 बचेगा और ये प्लस हो जाएंगे, यानी 25 बचेगा, ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए, ये 100 माइनस सॉरी 25 इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 75, यानी 75% ऐसे जो है विद्यार्थी रहेंगे जो पास होंगे, ठीक है, पास होने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों में से फेल होने वालों को घटा दिया तो पास होने वाले आ गए, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल करवाए गए हैं वो सभी आपको अच्छे से जो है याद हो गए होंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।